हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम लेकर आ गए एक टॉपिक जिसमें आज हम बात करेंगे कि अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाए, तो कैसे उसे कवर अप किया जाए, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। तो बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए काफ़ी पोषक तत्व जो अवेलेबल हैं और जो हमारी बॉडी को प्रोटीन देने के लिए काफ़ी थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे ही आज हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो अगर कोई पर्सन शाकाहारी है या वेजिटेरियन है तो वो कौन कौन से ऐसे थिंग्स खाए जिससे उनकी डेली की प्रोटीन की जो नीड है वो कवर अप हो पाए जी। तो आज हम जानते हैं कि कौन कौन से हैं। पहले हैं फलियां। जी हाँ, फलियां मीन्स ये है कि अगर कोई भी पर्सन शाकाहारी है और उसे प्रोटीन पूर्ति के लिए वो बीन्स, चना, अलग अलग तरह की दालों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अरहर की दाल होगी, सोयाबीन होगी, जिसमें काफ़ी तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं और आपकी जो कहें कैपेसिटी को प्लस आपकी जो प्रोटीन की कमी को भी पूरा करते हैं। और इसके साथ साथ आप दाल का सूप बनाकर भी पी सकते हैं। इसके साथ है ग्रीन योगर्ट। ये एक तरह का दही होता है, यानी कि अगर कहें तो गलत नहीं होगा, ग्रीन योगर्ट एक तरह का दही माना जाता है जी। ये भी बॉडी की कमी को पूरा करता है और इसमें काफ़ी तरह के डाइट या कहीं थिंग्स अवेलेबल होते हैं जो हमारी प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। अगर जो पर्सन शाकाहारी हैं वो जैसे मीट, अंडे की जगह वो टोफू जो आता है, जो अगर एक्सरसाइज या योगा करते वो अच्छी तरह जानते होंगे, वो किसी भी अगर आप कहें डेयरी से मिल जाता है तो वहाँ पे से आप ले सकते हैं टोफू। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 का आता है और उस पे आप ग्रीन योगर्ट लगा के सेवन कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। फिर है मशरूम। जी, मशरूम बेस्ट है प्रोटीन के लिए और इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसे अगर आप उबाल कर या सब्जी में बनाकर खाते हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके साथ है एवोकाडो। जी हाँ, एवोकाडो भी एक शरीर प्रोटीन के लिए काफ़ी अच्छा स्रोत माना गया है और इसमें सभी फूड्स में ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो वेजिटेरियन है या शाकाहारी लोगों के लिए इसे आप आराम से खा सकते हैं। प्लस ये हेल्दी होता है और इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहते हैं, ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है और इसे आप सलाद या फिर सैंडविच के तौर पर भी आप या सैंडविच में डालकर तो आप इसका सेवन कर सकते हैं जी। तो ये थी आज की अपडेट। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।